ओके सो हाय एवरीवन। तो अभी अभी मैं आलू गोभी बना के बाहर आया हूँ इस वीडियो के लिए। तो जब मैं खाना बना रहा था तो मुझे इस बात की बड़ी ज़रूरत फील हुई कि जो आप सभी यहाँ पे आ रहे हो उनको इतना पता होना चाहिए कि इंडिया से क्या क्या चीज़ें लाने की ज़रूरत है, कनाडा में कौन कौन सी चीज़ें जो आपको किचन में चाहिए, और एक बेसिक टेक्निक जो बड़ी आसानी से जल्दी यूज़ करके आप कुछ भी बड़े आराम से बना सकते हो घर पे। तो आपको कोई टिफ़िन सर्विस ऑप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है खाना कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है। अपने इंग्रेडिएंट अपने हिसाब से डाल के आप खाना बनाओगे, और ऑब्वियसली बाहर तो खाओगे नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वो बेसिक टेक्निक और वो सारा बेसिक सामान अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हियर वी गो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोव है वो हो सकता है नॉर्मल भी हो, गैस वाले हों या इंडक्शन वाले भी हों, तो एक प्रेशर कुकर ले आना इंडिया से ज़रूर, और मेक श्योर कि जो उसका बेस है वो इंडक्शन के साथ कंपेटेबल हो। जब आपके पास प्रेशर कुकर आ गया तो खाना बनाना सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इनफैक्ट आसान है, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाता है कुकर में। तो द थिंग इज़, जब आप उसको स्टोव पे रखोगे, मेक श्योर कि जो हीट है वो आप मैक्सिमम ना करके उसको मीडियम के में करना, ताकि आपको बाकी चीज़ें करने का भी टाइम मिल जाए जितनी देर में वो कुकर गर्म हो रहा है। तो उसमें आप तेल डालोगे, तेल जो है वो कोई भी हो सकता है, मैं पर्सनली सरसों का तेल यूज़ करता हूँ। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल, कॉर्न ऑयल जो यहाँ पे फ्रेशको से बड़ी इजीली मिल जाते हैं आप यूज़ कर सकते हो। ये जो है सरसों का तेल, ये भी मैंने फ्रेशको से ही लिया था, अराउंड 5 या 6 या 7 डॉलर का, इतने का था, बड़े आराम से 2-3 महीने चल जाता है। तो जब आप डाल दोगे, थोड़ा सा डाल दो जीरा, जीरा और बाकी सारे जो सूखे मसाले हैं वो आपको यहाँ पे इंडियन स्टोर्स होते हैं, हर शहर में होते हैं। विंडसर की बात करूँ तो यहाँ पे गांधी इंपोर्ट वाले हैं, संडे सैटरडे वहाँ पे ओपन करते हैं अपनी शॉप, तो वहाँ से आराम से आप सारा कुछ इंडियन सामान लेके आ सकते हो, सारे मसाले लेके आ सकते हो, फ्रेशको से भी मिल जाएंगे। तो आपको जीरा डालना है और गर्म गर्म तेल में जीरा डालना है। और उसके बाद आपको प्याज काटने हैं, प्याज आपको फ्रेशको से मिलेंगे, और ये जो थैली आप देख रहे हो ये 2.5 या 3 डॉलर के आसपास की आ जाती है। तो इसको चॉप करने के लिए आपके पास जो चॉपर होना चाहिए वो होना चाहिए इंडिया का, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी भाई। मैंने होमसेंस घूम लिया, सारा घूम लिया, ऐसा चॉपर नहीं मुझे कहीं मिला। तो ये वाला जो चॉपर है, ये अगर आप इंडिया से लेके आए हो तो बड़े आराम से आपके प्याज चॉप हो जाएंगे। यही जो चॉपर है आपको टमाटर की प्यूरी बनाने में भी काम आ जाएगा। टमाटर द थिंग इज, अगर आपको टमाटर की प्यूरी बनानी है अपनी आंखों के सामने तो ठीक है, नहीं तो रेडीमेड प्यूरी भी मिलती है, रघु नाम है उसका, उसमें टोमेटो ऑनियन गार्लिक की पेस्ट है, तो वो भी आपको फ्रेशको से मिल जाएगी 1.5-2 डॉलर, मतलब 2 डॉलर से भी कम की, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो जब आप ये डाल दोगे तो ये आपकी हो गई बेसिक चीज़, जो बेसिक बेस है हर सब्जी हर दाल बनाने का, तो ये आपका वो यूज़ होगा। इसके अंदर अब आप अपने सारे मसाले डाल सकते हो स्वाद अनुसार, MDH के जितने भी मसाले हैं वो फ्रेशको से बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो ये डालने के बाद आपको हल्की हल्की ना खुशबू आनी शुरू हो जाएगी प्रेशर कुकर में से। इस टाइम आपका वो जो टेस्ट वाला जो बेस है वो सारा तैयार हो गया। इसके अंदर अब आप कुछ भी डाल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अब आलू गोभी बनाई है मैंने, तो मैंने सारे आलू कट करके डालने हैं, और इसके अलावा जो वेजिटेबल्स हैं वो सारी आपको कट वेजिटेबल्स अच्छे से, गोभी, ब्रोकली, प्याज, खीरा, गाजर, मटर, ये सारा कुछ फ्रोज़न आपको मिल जाता है फ्रेशको से। तो एज इट इज़ पैकेट को खोलो और ये सब्जियों को एक बार वॉश करो, और सारी की सारी सब्जियां आप कुकर में डाल दो, क्योंकि ये रेडी टू कुक की होती हैं तो इसको ज़्यादा गलने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपको प्रेशर कुकर की जितनी भी सीटियाँ बजवानी हैं वो सिर्फ आलू के हिसाब से जनरली। अब इसमें तो मैं 1 या 2 सीटियाँ बजवाऊंगा और 2 सीटियाँ बजाने के बाद कुकर को रहने दूंगा, लेकिन जनरली दाल या राजमा जिसको अगर आप भिगो के नहीं रखा हुआ आपने शुरू से, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सीटियाँ कंज्यूम हो जाती हैं कुकर की, मतलब मेरी तो 10-15 के पार चले जाती हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि कभी आप राजमा दाल या चने बनाने लगे हो तो वो भिगो के रख लो एक रात पहले, तो सुबह इजीली बन जाएंगे। अब जब आपकी सब्जी प्रिपेयर हो गई है, आलू गोभी बन गई है या दाल या राजमा कुछ भी बन गए हैं, अब इसके साथ आपको खाने के लिए चाहिए चावल या फुलके रोटी। तो चावल बनाने की एक बेसिक टेक्निक है, जिस कुकर में अभी मैंने आलू गोभी बनाई है उसी कुकर में मैं 1 कटोरी चावल, और जितने चावल जिस कटोरी के लेवल तक चावल आए हैं उसी के लेवल तक उतना ही पानी लेना है और कुकर में डाल देना। इन दोनों को डालने के बाद 2 सीटियां बजवानी है और कुकर को बंद रहने देना है, और थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद खोलना है, तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है चावल बड़े खिले खिले बनते हैं।
अगर रोटी चाहिए तो उसकी दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आप आशीर्वाद का या कोई भी आटा लेके आओ फ्रेशको से और उसको गूंदो। अगर गूंदना है तो उसके लिए डॉलरामा से ये बड़ा बाउल मिलता है, $2 का बाउल है इसमें इजीली, क्योंकि यहाँ पे वो स्टील की परात तो मिलती नहीं है, आपको ये डॉलरामा वाला बाउल ही यूज़ करना पड़ेगा प्लास्टिक का। तो इसमें अपना आटा गूंदो, और जो चकला बेलन है, चकला बेलन घर से लेके आना है। अगर घर से आपको बाय चांस नहीं मिला तो यहाँ पे मैंने अभी पता नहीं किया कि इंडियन स्टोर से मिलता है कि नहीं, तो प्रेफरेबली चकला बेलन जो है वो घर से लेके आओ अगर खुद रोटियाँ बनानी है तो, नहीं तो फ्रेशको से ही ऐसी किसी जगह से ही आपको रेडीमेड रोटियां भी मिल जाती हैं। ये जो रेडीमेड रोटियां आप देख रहे हो $3.50 की हैं 15, और मैं सजेस्ट यही करूंगा क्योंकि जो दूसरे परांठे होते हैं वो बड़े मैदे वाले होते हैं तो वो मत खाया करो। अगर ये वाली रोटियां मुझे फिर भी ठीक लगी हैं खाने में, और उससे भी बेटर है कि खुद ही आटा गूंदो अगर आपके पास टाइम है तो। तो ये सारा करने के बाद जब आप प्लेट लोगे तो उसमें सैलड आपको चाहिए तो प्याज काट के, खीरे काट के, टमाटर काट के साइड पे रखो, लेकिन जो लाइम जूस है उसकी ऐसी आपको ग्रीन और येलो डिब्बियाँ मिल जाएंगी। ग्रीन वाली जो है वो खट्टा नींबू है और जो येलो वाला है वो मीठा नींबू है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं ग्रीन वाली जो डब्बी है वो यूज़ कर रहा हूँ, ग्रीन बॉटल, ये खट्टा नींबू, और साथ में काला नमक भी वहाँ से मिल जाता है जहाँ से मुझे वो जीरा और लाल मिर्च मिले थे जो इंडियन इम्पोर्ट का स्टोर है। तो ऐसे आपको सैलड भी मिल जाएगा और आपकी एक प्लेट रेडी हो जाएगी जिसमें आप आराम से अच्छा डिनर या लंच कर सकते हो। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि किचन में आपके दो डस्टबिन होने चाहिए, एक बड़े वाला एक छोटे वाला। तो जो छोटे वाला है वो लिड के साथ होना चाहिए जिसमें आप वो चीज़ें डाल सको जो ऑर्गेनिक हैं, जो डिकम्पोज हो सकती हैं, जिसके कारण मक्खियाँ वगैरह नहीं आएंगी उसके अगर वो कवर रहेगा तो। और इसमें आप वो प्लास्टिक का सामान डाल सकते हो जो रिसाइकल होने वाला है। अगर रिसाइकल वाला है तो कोशिश करना ब्लू कलर का आप पॉलीबैग यूज़ करो, और उसमें तो आप कोई भी रैंडम यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो गार्बेज में ही जाना है। और जो ऐसे बड़े गार्बेज बैग्स हैं वो आपको डॉलरामा से 1.25 के मिल जाएंगे 10 की पैकिंग, तो ये देख के 75 लीटर वाली जो पैकिंग है पॉलीबैग्स की वो वाली लेके आना। जब वो आपके डस्टबिन में सारे पॉलीबैग्स भर जाया करें तो ऐसे ग्रीन कलर का घर के बाहर एक बड़ा बिन होता है, एक ब्लू कलर का भी होता है, पर वो रिसाइकलेबल सामान के लिए होता है। जो गार्बेज बैग है वो आपने ग्रीन वाले में रखने हैं। तो ये जो पेवमेंट है इस पे नहीं आना चाहिए बिन, बिन जो है इधर वाली साइड पे होना चाहिए, मतलब ये जो पेडेस्ट्रियंस के लिए पूरा वॉकवे है ये क्लियर होना चाहिए। तो जब आप यहाँ पे रखोगे तो हर मंडे की सुबह को वो यहाँ से क्लियर कर देंगे और आप इसको उठा के वापस अपनी पुरानी लोकेशन में रख सकते हो। सो, खाना बनाने की चिंता ना करो, ये बेसिक टेक्निक है। पहले पहले मुश्किल लगता है लेकिन उसके बाद मुझे भी बड़ी अच्छी आदत हो गई है। 2 मिनट में किचन में 5 मिनट से ज़्यादा स्पेंड नहीं करता मैं और खाना बन जाता है, क्योंकि जो आपको करना है चॉपर और बाकी सारी चीज़ों के कारण, क्योंकि सारा कुछ तो फ्रेशको से रेडीमेड मिल ही जाता है, वो रेडी टू कुक वेजेज भी मिल जाती हैं, तो इन सभी चीज़ों के कारण किचन में आपके 5 मिनट से ज़्यादा स्पेंड नहीं होंगे और सारा खाना अच्छा बन जाएगा। सो दैट्स इट, आई होप इट हेल्प्स, सी यू।